टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। हवामान विभाग की आगाही सामे आवी छे, 3 दिवस बाद तापमान में 2 થી 3 डिग्री जेटलो घटाड़ो थई शके छे। પવનની દિશા ઉત્તર પૂર્વથી બદલાશે ત્યારે ઠંડીનો અનુભવ થશે, તે પ્રકારની આગાહી સામે આવી છે। સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં અત્યારે ફિલહાલ તાપમાન ઓછું થઈ ચૂક્યું છે। કચ્છ ઉત્તર ગુજરાતમાં સામાન્ય કરતાં પણ વધારે લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું છે અને ગુજરાતમાં સૌથી ઓછું તાપમાન 14.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ગાંધીનગરમાં નોંધાયું છે, ત્યારે હજુ પણ તાપમાન આવનારા દિવસોમાં ઘટી શકે છે। 7 दिन तक आज का जो फोरकास्ट है, मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान दिया गया है और जो तापमान में जो 3 दिन तक 9 लाख चेंज दिया गया है, लेकिन उसके आगे आने वाले दिन में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होने का पूर्वानुमान दिया गया है। अहमदाबाद में जो उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि मैक्सिमम सामान्य से 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। अच्छा, लघुत्तम तापमान रात के जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है 19.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 1.8 डिग्री सामान्य से ज़्यादा है। और गुजरात रीजन में सबसे कम तापमान, लघुत्तम तापमान जो रिकॉर्ड हुआ है वो 14.8 डिग्री सेंटीग्रेड, वो गांधीनगर में। और जो अभी तो जो इन्फॉर्मेशन है, सौराष्ट्र में रात की जो तापमान है अप्रेसिवली कम हुआ है, लेकिन जो उत्तरी गुजरात क्षेत्र है कच्छ एरिया में एंड उत्तरी गुजरात रीजन में सामान्य से ऊपर था लघुत्तम तापमान।